एक अंग्रेज मिला था एक बार रामकृष्ण परमहंस से, सदगुरु से मिलता है और अंग्रेज कहता है, चूंकि राजधानी हुआ करती थी कलकत्ता, अंग्रेज कहता है कि आप जिस मूर्ति की पूजा करते हो, जिस मां की प्रतिमा की पूजा करते हो, वो तो बड़ी छोटी सी है, छोटी सी प्रतिमा है, और आप कहते हो पूरी ब्रह्मांड की स्वामिनी है, पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली यही है, और इतनी छोटी सी मूर्ति पूरे ब्रह्मांड को चलाएगी, कैसी बातें करते हो, अंधविश्वास की बातें करते हो। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, बड़े शांत प्रवृत्ति के थे गुरुवर रामकृष्ण परमहंस, बोली रामकृष्ण परमहंस की महातिशक्ति भवानी की दक्षिणेश्वर वाली माता की। बड़ी शांत भाव से वो अंग्रेज को बिठाते और कहते हैं, सुनो क्या तुमने सूर्य को देखा है? वो कहता है, ये कैसी बातें कर रहे हो, सभी ने देखा है सूर्य को, सूर्य ब्रह्मांड को चलाता है, पता है ना, सारे वनस्पति जीव जंतु सभी को चलाने वाला सूर्य है, अगर सूर्य ना उगे तो वृक्ष मुरझा जाएंगे, सूर्य ना उगे तो ऑक्सीजन भी नहीं बनेगा, सांसें खत्म हो जाएंगी, दम घुटने लगेगा, लोग मर जाएंगे, यानी इस धरती पे जो कुछ भी सजीव है वो सूर्य के बदौलत ही है, और सूर्य ही हमारे पिता है, सूर्य के बिना ये धरती कुछ नहीं कर सकती है, वीरानी हो जाएगी, मरुस्थल में बदल जाएगी ये धरती। वो कहता है, सत्य वचन है, मैं समझ गया कि सूर्य का प्रभाव बहुत ज्यादा बड़ा है। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, सूर्य कितना बड़ा है, सुबह जब उठते हो तो सूर्य छोटा सा गोले जैसा नहीं दिखाई देता आपको, कितना बड़ा दिखाई देता है, हम लोगों को भी तो सूर्य छोटे से गोले की तरह ही तो दिखाई देता है, इतना छोटा सा अगर हम अपने हाथ से चाहेंगे तो उसको घेर लेंगे कि हाँ सूर्य इतना बड़ा है। अंग्रेज कहता है, सूर्य छोटा इसलिए दिखता है क्योंकि बहुत दूर है। वो कहते हैं, माँ भी छोटी इसलिए दिखती क्योंकि तुम्हारी दृष्टि में बहुत दूर है, तुम अभी आध्यात्मिक यात्रा में नजदीक नहीं पहुंचे हो, बहुत दूर है माँ इसलिए बहुत छोटी तुम्हें दिखाई दे रही है, मैं करीब हूं तो मुझे बहुत बड़ी दिखाई देती है, और मुझे हर पल दिख रही है कि हर कार्य को माँ ही कर रही है, सब में उन्हीं की शक्ति समाहित है, सबको वही चला रही है, जीव जंतुओं को चलाने वाली वही है, अग्नि भी जलाने वाली वही हो, और शुभ संचार करने वाली भी वही है, यानी जब तक भक्त भगवान से दूर रहता है तो भगवान की शक्तियां बड़ी सीमित दिखाई देती हैं और भगवान छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन जितनी मात्रा में एक भक्त एक साधक अपने भगवान अपने आराध्य के करीब जाता है, उतनी मात्रा में भगवान का कद बड़ा होने लगता है, होने लगता है ना। कुरुक्षेत्र के युद्ध में सारे कौरव खड़े हैं, सभी पांडव खड़े हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त परम अनुयायी अर्जुन भगवान के जब बहुत प्रेम से भरकर उनके बहुत करीब जाता है, इतने प्रेम से भरकर इतनी करुणा से भरकर उनके बहुत करीब जब जाता है, उनके जब करीब जाता है तब भगवान की कृपा हुई थी अर्जुन के ऊपर, और भगवान प्रसन्न होकर उन्होंने कहा था, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मैं कौन हूं, उन्होंने अपने विश्व रूप का दर्शन कराया था, लेकिन पांडवों में किसी ने विश्व रूप का दर्शन नहीं कर पाए थे, कोई भी कौरव विश्व रूप का दर्शन नहीं कर पाए, जबकि सभी के सभी वहीं बैठे हुए थे, उसी कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में सभी थे, लेकिन कोई नहीं देख पाया था प्रभु को, लेकिन जब करुणा से भरकर भगवान के राह पे चलते हुए जब कोई अर्जुन जैसा भक्त जब भगवान की भक्ति को अर्जन करता है कमाता है, तो भगवान उसे अपने उस रूप को दिखाते हैं जिस रूप ने पूरी दुनिया को पूरी सृष्टि को चलाने की क्षमता जिसके अंदर समाहित है, यानी भगवान के जब करीब जाएंगे तो भगवान का वो विशाल रूप दिखाई देता है। तो जीवन में आध्यात्मिक यात्रा के माध्यम से कथा के माध्यम से माँ यही कहती है, आओ ना मेरे करीब, धीरे धीरे जीवन के सभी रहस्यों को मैं प्रकट करके चली जाऊंगी, फिर पता चलेगा कि दुखों के पीछे कारण क्या है, सुखों के पीछे कारण क्या है, संताप के पीछे कारण क्या है, जिंदगी के सभी तरह के विघ्न बाधाओं के पीछे कारण क्या है, लेकिन जब तक दूर रहोगे तब तक मैं
अपने इस रहस्य का उद्घाटन नहीं कर पाऊंगी, लेकिन जितने करीब मेरे आओगे उतना ही ज्यादा पर्दा हटाते चली जाऊंगी और जीवन का दुख संताप मिटने लगेगा। बोलिए मातृशक्ति माँ भवानी की जय।